देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है और कहा है कि कार में अकेले सफर करने के दौरान भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कार को पब्लिक प्लेस बताया है और कहा कि हर व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि मास्क एक सुरक्षा कवच है जो कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि याचिका दाखिल कर कार में अकेले बैठे व्यक्ति के मास्क पहनने के फैसले को चुनौती दी गई थी। वहीं राजधानी दिल्ली में मास्क ना पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना है। साथ ही कई बार ऐसी खबरें भी आई थी कि जब कार में अकेले बैठे व्यक्ति का चालान काटने पर लोगों का पुलिस के साथ विवाद भी हुआ। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। वही देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस का प्रकोप खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और मंगलवार को 5100 नए केस सामने आए, जबकि 17 लोगों की मौत हुई। ये नवंबर 2020 के बाद दिल्ली में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 27 नवंबर 2020 को दिल्ली में 5482 मामले सामने आए थे। दिल्ली में कोविड-19 के संक्रमितों की कुल संख्या 6,85,062 हो गई है। अब दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 17,332 हो गई है। इसके साथ कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ इमरजेंसी सर्विस देने वालों या वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को घर से निकलने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए ई पास लेना जरूरी होगा। वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना संक्रमण के एक बार फिर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में एक दिन में कोरोना के 1,15,736 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 630 लोगों की मौत कोरोना महामारी से हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,66,177 हो गई है। अब तक देश में कुल 1,28,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,17,92,135 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार वार्निंग दे चुकी है कि भारत में अगले 4 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण और क्रिटिकल है। केंद्र ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। सूत्रों के अनुसार हालात को देखते हुए सरकार अब जल्द ही 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की घोषणा भी कर सकती है। फिलहाल 45 साल से अधिक के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।